जैसा कि आप सब जानते हैं, त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है, रक्षाबंधन आने वाला है, लेकिन कोविड-19 के कारण बाहर से मिठाई लाना हम सभी अवॉइड कर रहे हैं। तो ऐसे में कुछ ऐसा बनाया जाए जो आसान भी हो और टेस्टी भी हो। इसलिए मैं अनु सिंह आज बना रही हूँ बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू बनाने में कुछ लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आती है। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आप परफेक्ट लड्डू बना सकें। इसके लिए आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाकर मेरे आने वाले वीडियो को सबसे पहले देखिए। बेसन के लड्डू बनाने के लिए मैंने ये 250 ग्राम बेसन लिया है। ये मोटा बेसन है, आपको किसी भी शॉप पर आराम से मिल जाएगा। आप लड्डू बनाने का बेसन चाहिए यह कह के ले सकते हैं। और ये मैंने करारा लिया है, जिसे मोटा बूरा कहते हैं, ये भी 250 ग्राम है। ये मैंने देसी घी लिया है 250 ग्राम, और ये कुछ बादाम लिए हैं। ये मैंने तीनों चीज़ें बराबर मात्रा में ली हैं। इन लड्डुओं को बनाने के लिए मोटा बूरा लिया है, बारीक बूरा इस्तेमाल नहीं करना है, इसे करारा भी कहते हैं। ये शॉप पे आसानी से मिल जाता है, लेकिन आजकल जैसे सामान मिलने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे घर में भी बना सकते हैं। इसका लिंक मैंने वीडियो के एंड में शेयर किया है। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में घी डालेंगे, और जब घी मेल्ट हो जाएगा तब उसमें बेसन मिला लेंगे। अब हमें इसे बेसन को लगातार चलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पर भूनना है। इसको लगातार चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठले ना पड़े। अगर थोड़ा बहुत गुठले पड़ भी जाए तो इसको दबाते हुए चलाइए, वो ठीक हो जाएंगे। बेसन को हमें हाई फ्लेम पर नहीं भूनना है, इसको हमें लो मीडियम फ्लेम पर भूनना है ताकि ये इवनली भूने, कहीं से ज़्यादा या कहीं से कम ना भूने। देखिए कितना स्मूथ मिक्सचर तैयार हो गया है ये, इसमें बिल्कुल भी गुठले नहीं पड़े हैं। अगर आप लड्डू को दानेदार बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मोटा बेसन और करारा यूज़ करें, उससे लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं। देखिए इसमें अब ये थोड़ा सा फ्लफी हो गया है, बीच में भूनते भूनते बेसन इस तरह का दिखने लगता है। इसको इस तरह से लगातार चलाते हुए भूनना है हमें। मैंने इसे इंडक्शन पर 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 500 वाट पर भूना है। इसका सही से भुनना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ठीक से नहीं भुनेगा तो जब आप लड्डू खाएंगे तो वो मुंह में चिपकेंगे, और अगर ये ज़्यादा भुन जाएगा तो लड्डू खाने में कड़वे लगेंगे। इसलिए बेसन का सही से लगातार चलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पर भूनना ज़रूरी है। बेसन को धीमी आंच पर ही भूने, तेज आंच पर बिल्कुल भी ना भूने, नहीं तो ये कहीं से कच्चे रह जाएगा और कहीं से ज़्यादा भुन जाएगा, जिससे लड्डू खाने में अच्छा नहीं लगता, उनमें बेसन के कच्चेपन का स्वाद आता है। अब हमारा बेसन लगभग भुन गया, इसे थोड़ा सा और भूनना है हमें, फिर ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। देखिए अब बेसन भुन गया है, इसका कलर भी डार्क हो गया है, मस्टर्ड कलर हो गया है इसका। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें घी भी ऊपर तैरने लगा है। अगर आप थोड़ी देर इस मिक्सचर को ऐसे ही रेस्ट के लिए छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि घी जो है वो ऊपर तैरने लगा है और बेसन नीचे बैठ गया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे थोड़ी देर तक, ताकि ये नीचे से डार्क ना हो। अब थोड़ी देर बाद इसको ठंडा होने के लिए एक तरफ रख देंगे, और जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसमें करारा मिला के इसके लड्डू बनाएंगे। अब एक पैन लेंगे और उसमें जो बादाम है उन्हें डाल के भून लेंगे। आप अपनी पसंद का कोई और भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, जैसे कि मगल्स ले सकते हैं आप, खरबूजे के बीज जिसे कहते हैं, या काजू ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो ले सकते हैं। हमारा बादाम भून गया, अब इनको हम कट कर लेंगे। इनको बारीक बारीक काटना है हमें, देखिए इस तरह से काटेंगे। ड्राई फ्रूट को भूनना बड़ा ज़रूरी होता है, इससे क्या होता है लड्डू की जो सेल्फ लाइफ होती है वो भी बढ़ जाती है, और दूसरा टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। ड्राई फ्रूट में थोड़ी बहुत नमी होती है तो वो ख़त्म हो जाती है, जिससे लड्डू बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होते। अब हमारे सारे बादाम कट गए हैं, अब हम लड्डू बनाएंगे। अब हमारा बेसन इतना ठंडा हो चुका है कि हम उसे आसानी से छू सकते हैं और लड्डू बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से घी ऊपर आ गया है और बेसन नीचे जम गया है। अब हम इसमें जो ये एक्स्ट्रा घी है उसको निकाल देंगे।
इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, आप इसको निकाल सकते हैं। बेसन को भूनने के लिए हमें ज़्यादा घी की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम पहले घी कम डालेंगे तो हमारा बेसन ठीक से भुनेगा नहीं, इसलिए घी तो हमें पूरा ही डालना होता है, लेकिन बाद में आप इसको निकाल सकते हैं। अगर आपके घर में किसी को शुगर की प्रॉब्लम है तो इस पूरे घी को आप निकाल दीजिए और फिर उसके बाद इसमें शुगर फ्री मिला के तब भी आप लड्डू बना सकते हैं। ये जो घी हमारा बचा है इसको आप बेसन के चीले या पराठे वगैरह बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारा जो बेसन है वो रूम टेम्परेचर पर है। अब मैं इसमें करारा मिला लूँगी, थोड़ा ही करारा डालेंगे पहले हम और उसको मिक्स कर लेंगे, और साथ ही साथ जो हमारे बादाम है वो भी मैं इसमें डाल दूँगी और इन्हें अच्छे से मिक्स करूँगी। करारा हमें तभी डालना है जब हमारा मिक्सचर ठंडा हो जाए, क्योंकि अगर मिक्सचर ज़रा भी गर्म रहेगा तो जो हमारा करारा है वो उसमें मेल्ट हो जाएगा, जिससे जो हमारा बेसन है वो पतला हो जाएगा और हमें लड्डू बनाने में प्रॉब्लम होगी। जो हमारे लड्डू है वो डी शेप हो जाएगा, उनकी कोई शेप नहीं बन पाएगी। और जब ये लड्डू ठंडे हो जाते हैं तो ये हार्ड हो जाते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब जो हमारा बचा हुआ बूरा है वो भी मैं इसमें डालकर मिक्स कर लूँगी। ये हमारा मिक्सचर तैयार है, इसे मैं हाथों से भी थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी अच्छे से। अब ये मिक्स हो गया है, अब मैं इसके लड्डू बनाने शुरू करूँगी। लड्डू को इस तरह से गोल गोल करके बनाना है। आप अपनी पसंद से छोटे या बड़े लड्डू बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। लड्डू जब पूरी तरह से ठंडे हो जाए तब उन्हें एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख दें, इससे इनकी सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ये बहुत समय तक ख़राब नहीं होते। हमारे इतने मिक्सचर से ही 18 लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। अगर आप मेरी बताए हुए टिप्स का ध्यान रखेंगे तो आप भी परफेक्ट लड्डू बना पाएंगे। और अब एक लास्ट टिप, इन लड्डुओं को फ्रिज में ना रखें, फ्रिज में रखने से इनका घी जम जाता है और ये हार्ड हो जाते हैं, इन्हें बाहर रखकर ही खाएं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी रेसिपी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो एक नई डिश के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।